अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू निशा ऑनलाइन हब अगेन फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने मौजूद। फ्रेंड्स, ये गुड न्यूज़ हम सब जानते हैं कि डॉक्स क्वाइन एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने जा रहा है, जैसे कि बाईबिट एक्सचेंज है और OKX एक्सचेंज है। फ्रेंड्स, बाइनांस भी हिंट्स दे रहा है और अगर डॉक्स क्वाइन बाइनांस पे लिस्ट हो गया तो फ्रेंड्स इसकी प्राइस बड़ी अच्छी होने जा रही है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मेरे साथ रहें क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि डॉक्स क्वाइन की टोटल सप्लाई कितनी है और ये कम्युनिटी को कितना देने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि फ्रेंड्स इसकी विड्रावल डेट क्या है और मैं ये डिस्कस करूंगी कि जैसे ही आपको विड्रावल मिल जाएगा तो क्या आप अपने कॉइन्स को विड्रावल के डे ही सेल कर दें या आप होल्ड पे रखें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको प्राइस प्रिडिक्शन भी करूंगी और मैं आपको ये बताऊंगी कि विड्रावल का दिन आने से पहले आपने कौन से काम करके रखने हैं ताकि विड्रावल के दिन आपको कोई इश्यू ना आए और आसानी से आप अपना विड्रावल ले लें। जी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको टोटल सप्लाई बताती हूँ। डॉक्स क्वाइन की टोटल सप्लाई है 550 बिलियन और 81.5% ये कम्युनिटी को देने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं विड्रावल डेट की, तो वो 20 अगस्त है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि विड्रावल से पहले आपने कौन से काम करके रखने हैं। फ्रेंड्स, ये टोकन क्लेम हिंट्स, इस पर करेंगे क्लिक। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डॉग्स कम्युनिटी को फॉलो करें, डॉग्स को ट्विटर पे फॉलो करें, इसके अलावा प्रिपेयर योर वॉलेट, यहाँ पे इंस्टॉल टोन कीपर का ये कह रहे हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपने वॉलेट टोन कीपर वॉलेट डॉग्स क्वाइन के साथ कर लिया होगा कनेक्ट। अगर नहीं किया हुआ तो मैं अभी तरीका बता देती हूँ। और वो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक टोन कीपर वॉलेट ही क्रिएट नहीं किया तो इस वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी उस वीडियो का लिंक दे दूंगी जिसमें कि पूरी डिटेल मैंने बताई हुई है कि कैसे आपने टोन कीपर वॉलेट क्रिएट करना है। ठीक हो गया। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि वॉलेट कैसे कनेक्ट करना है टोन कीपर वॉलेट डॉक्स क्वाइन के साथ, मगर उससे पहले नीचे देखें गेट टोन क्वाइन फॉर गैस। फ्रेंड्स, अगर आप नॉन कस्टोडियल वॉलेट में डॉक्स क्वाइन का क्लेम लेंगे तो फिर फ्रेंड्स आपको गैस फी पे करनी पड़नी है ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन के लिए टोन क्वाइन की सूरत में। ठीक है फ्रेंड्स, चले मैं इसको करती हूँ क्लोज। फ्रेंड्स, ये ऊपर आप देखें कि जहाँ पे वॉलेट एड्रेस आपको शो हो रहा है, क्योंकि मैंने वॉलेट कनेक्ट कर लिया हुआ है इसलिए ये वॉलेट एड्रेस यहाँ पे आपको शो हो रहा है, मगर आपको यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट की ऑप्शन शो होगी। फ्रेंड्स, आपने इस पर कर देना है क्लिक। जब फ्रेंड्स आप इस पर करेंगे क्लिक तो नेक्स्ट इंटरफेस पर आपको डिफरेंट वॉलेट्स शो होंगे, आपने वहाँ से टोन कीपर को करना है क्लिक। तो फ्रेंड्स, आप रीडायरेक्ट होते हुए टोन कीपर वॉलेट में चले जाएंगे। फ्रेंड्स, वहां पे दोबारा आपको कनेक्ट की ऑप्शन शो होगी, आपने उस पर करना है क्लिक। तो फिर आपने उसके बाद 4 डिजिट का पासकोड वहां पे पुट करना है। ये वही पासकोड है जो आपने टोन कीपर का वॉलेट क्रिएट करते हुए क्रिएट किया होगा, आपने वो पासकोड 4 डिजिट का वहाँ पर पुट कर देना है। ठीक हो गया। जैसे ही आप पासपोर्ट पुट करेंगे तो आपका वॉलेट यहाँ पे डॉक्स क्वाइन में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात हो गई। फ्रेंड्स, अब डिस्कस कर लेते हैं कि विड्रावल के दिन जब आपको विड्रावल मिल जाए तो क्या आप अपने कॉइन्स को फ़ौरन सेल कर दें या आप होल्ड पे रखें। फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये 81.5% कम्युनिटी को दे रहे हैं। कम्युनिटी फ्रेंड्स बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि जैसे ही विड्रावल का दिन आए तो कम्युनिटी कॉइन्स को सेल करके अपना जो मुनाफा है उसको हासिल कर सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप विड्रावल के दिन मैक्सिमम अपने कॉइन्स को सेल कर दें क्योंकि उस दिन उम्मीद है कि प्राइस अच्छी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, जब इतनी कम्युनिटी ने कॉइन्स को सेल करना है तो बाद में इम्कान है कि प्राइस कम हो जानी है, इसलिए मेरी सजेशन यही है, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात हो गई डिस्कस। अब फ्रेंड्स, मैं प्राइस प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बाइनांस की तरफ से भी हिंट्स हैं, अगर बाइनांस पे डॉक्स क्वाइन लिस्ट हो जाता है तो इसकी मार्केट कैप हाई हो जानी है और प्राइस भी हाई हो जानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी तरफ से प्रेडिक्शन है 0.016 या 0.017। फ्रेंड्स, ये मेरी तरफ से प्रेडिक्शन है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये थी वो सारी बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी डॉक्स क्वाइन के लिहाज से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप किसी एयरड्रॉप या किसी माइनिंग प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए। फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।